Hi everyone, this is JP Singh. I welcome you all on my channel Medicos Marathi. Hope you all are happy and healthy. My dear friends, today we are going to discuss some of the mixed pack questions of orthopedics FMJ 2017 to 2020. So, आज हम कुछ मिक्स बैक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं किसके ऑर्थोपेडिक्स के FMJ 2017 से 2020 तक के जो क्वेश्चन आ चुके हैं उन्हीं में से कुछ मिक्स बैक क्वेश्चंस का हम आज क्या करेंगे डिस्कशन करेंगे. बिफोर स्टार्टिंग दिस डिस्कशन आई वांट टू से दैट इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस ऑन नोटिफिकेशन बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट अपडेट्स फॉर ऑल इंपॉर्टेंट अपकमिंग वीडियोस. एंड माय डियर फ्रेंड्स, अनदर अपडेट फॉर माय चैनल, दिस डेज अ रैपिड फायर क्विज इज आल्सो अपलोडेड ऑन माय चैनल एंड दिस क्विज इज अ वेरी बूस्ट गिविंग quiz for your upcoming exam, whether you are targeting FMG or INISET. आप अगर फ्यूचर का FMG और INISET एग्जाम टारगेट कर रहे हो तो ये जो रैपिड फायर क्विज जो मेरे चैनल पर अपलोड हो रही है ये एक बूस्टर क्विज है आपकी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है. और रैपिड फायर क्विज हम किस किस सब्जेक्ट की कंडक्ट कर चुके हैं, सर्जरी की हो चुकी है, मेडिसिन की हो चुकी है, और एक रैपिड फायर तो 19 सब्जेक्ट की हो चुकी है. उसमें 100 क्वेश्चन है, 19 सब्जेक्ट के 40 मिनट्स का टाइम है. और जो सर्जरी और मेडिसिन वाली है उसका टाइम 10 मिनट से लेस है, पर वो रैपिड फायर क्विज है जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक बूस्ट प्रोवाइड करेगी. सो गो एंड अटेम्प्ट दिस क्विज आल्सो. सो लेट्स स्टार्ट दिस क्विज विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम. क्वेश्चन नंबर 1, मसल इन सेकेंड कंपार्टमेंट ऑफ रिस्ट. सो एग्जामिनर इज आस्किंग यू द नेम ऑफ मसल विच इज प्रेजेंट इन सेकेंड कंपार्टमेंट ऑफ रिस्ट. सो यू हैव टू टेल दैट नेम. एग्जामिनर गिवन यू हेयर फोर ऑप्शन एंड यू हैव टू चेस वन करेक्ट चॉइस. सो चूज दैट करेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन. माई डियर फ्रेंड, द करेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी, एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस ब्रेविस एंड लोंगूस. सो द मसल, टू मसल्स आर प्रेजेंट इन सेकेंड कंपार्टमेंट. वन इज एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस लोंगूस एंड अदर इज एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस ब्रेविस. सो ब्रेविस एंड लोंगूस दोनों इस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है. एबडक्टर पोलिस लोंगूस एंड एक्सटेंसर पोलिस ब्रेविस. सो एक्सटेंसर पोलिस ब्रेविस कौन से कंपार्टमेंट में प्रेजेंट होगी? अगर एग्जामिनर पूछ ले मसल इन फर्स्ट कंपार्टमेंट ऑफ रिस्ट देन व्हाट यू विल से, देन यू विल से ऑप्शन नंबर ए एंड सी. ऑप्शन नंबर ए एंड सी अगर एग्जामिनर पूछे फर्स्ट कंपार्टमेंट का, तो ऑप्शन नंबर ए और सी फर्स्ट कंपार्टमेंट में प्रेजेंट होती है, ठीक है. अगर ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो ये कहां पर प्रेजेंट होती है? ऑप्शन नंबर डी, एक्सटेंसर पोलिस लोंगूस, इट इज प्रेजेंट इन थर्ड कंपार्टमेंट. अब बात आई कि फोर्थ कंपार्टमेंट में क्या प्रेजेंट होगा. टोटल 6 कंपार्टमेंट होते हैं. फर्स्ट में तो प्रेजेंट होगा ए और सी ऑप्शन, सेकंड में प्रेजेंट होगा ऑप्शन नंबर बी, एंड थर्ड कंपार्टमेंट प्रेजेंट होगा ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ कंपार्टमेंट प्रेजेंट होगा एक्सटेंसर डिजिटोरम एंड एक्सटेंसर इंडिसेस, एंड फिफ्थ कंपार्टमेंट में प्रेजेंट होगा एक्सटेंसर डिजिट मिनिमी, एंड सिक्स्थ कंपार्टमेंट में प्रेजेंट होगा एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस. सो माय डियर फ्रेंड्स, लिसन दीज नेम्स केयरफुली. दीज आर मसल्स विच आर प्रेजेंट इन सिक्स कंपार्टमेंट ऑफ रिस्ट. सो यू हैव टू रिमेंबर दीज नेम्स. अगर एग्जामिनर सेकेंड कंपार्टमेंट का पूछा है तो वो किसी और कंपार्टमेंट का भी पूछ सकता है. सो दिस क्वेश्चन इज डन, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर वी गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. द ट्रायड ऑफ ट्रिपल आर्थ्रोडेसिस इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट. सो एग्जामिनर इज आस्किंग द ट्रायड ऑफ ट्रिपल आर्थ्रोडेसिस इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट. ट्रायड है मतलब तीन ही चीज है इसमें, और वो तीन कौन से हैं, और वो तीन अगर इस ऑप्शन में अवेलेबल है तो उन तीनों को छोड़ के जो है वो क्या है, एक्सेप्शन है. सो यू हैव टू टेल दैट एक्सेप्शन माय डियर फ्रेंड्स, एंड दैट एक्सेप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, टीबियो टेलर जॉइंट. टीबियो टेलर जॉइंट इज एक्सेप्शन, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्राइड. सो ट्राइड में क्या प्रेजेंट होता है? सो ट्राइड ऑफ ट्रिपल आर्थ्रोडोसिस विल इंक्लूड ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर ए क्या है? कैल्केनो क्यूबॉइड जॉइंट. ऑप्शन नंबर बी क्या है? टेलो नेविकुलर जॉइंट. एंड ऑप्शन नंबर डी क्या है? सब टेलर जॉइंट. सो ये तीनों जो जॉइंट है ये क्या है? ट्राइड है ट्रिपल आर्थ्रोडोसिस के.
सो ये क्वेश्चन भी डन हो चुका है। ठीक है, ऑप्शन ये क्वेश्चन डन हो चुका है, सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो माय डियर फ्रेंड्स, अवर क्वेश्चन इज, अ पेशेंट रिसीव्ड इलेक्ट्रिक शॉक एंड फेल डाउन, ही कैन नॉट डू एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ शोल्डर एंड कैन नॉट मूव आर्म, व्हाट इज द डायग्नोसिस। सो हियर यू कैन सी इट इज अ कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, सो चूज द ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हियर आर फोर ऑप्शन एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी, पोस्टीरियर डिसलोकेशन। सो इट इज अ केस ऑफ posterior dislocation. What other things we can see with respect to posterior dislocation? We can see condition of epilepsy, we can see condition of electric shock, and we can also see, if we are doing x-ray, on x-ray we will see electric bulb appearance. So these three E are very important with respect to posterior dislocation. In case of posterior dislocation, you will see that affected arm will so adduction and internal rotation. So the affected arm will show in the position that is adduction and internal rotation. And my dear friends, this is the correct answer for this question. If it is a condition of anterior dislocation, then you can see there is abduction and external rotation within the arm. And if there is condition of luxation erecta, then you can see there is inferior dislocation and the position is salute position of arm. So in condition of option number D, you will see inferior dislocation of arm. So this question is also done. Let's move to next question. Which of the following is management for postmenopausal women with osteoporosis? So you have to choose one correct choice. What is the management for postmenopausal women with osteoporosis? Here are four options and you have to choose one correct drug of choice. And that drug of choice will be option number C here, biophosphonates. Biophosphonates, generally what is the mechanism of option number C? The mechanism of action of this drug is to inhibit osteoclast, and biophosphonates generally are considered first line medication for reduction of fracture risk in postmenopausal women. So इसने पूछा है हमसे first line management, या फिर इसने पूछा है management पूछा है postmenopausal women में, जिसकी condition क्या है osteoporosis की, तो उस condition में जो first line management जो होगी वो होगी biophosphonate drug, या फिर drug of choice जो होगा इस case में वो होगा option number C. ठीक है, option number D, calcitonin. Calcitonin can also be used for osteoporosis and it also act by inhibiting osteoclast. Calcitonin भी osteoporosis की condition में use कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर condition क्या है हमारे पास, postmenopausal woman है, so इस condition में only option number C use होगा. अगर बात की जाए option number A और B की, raloxifen and tamoxifen are selective estrogen receptor modulators, SERMs, which are generally used to reduce the risk of breast cancer in high risk people and also used to prevent and treat osteoporosis in postmenopausal women, but it is less preferred. So option number A or B है, ये भी osteoporosis condition में prefer किया जाता है, postmenopausal women में भी ये prefer किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो prefer किया जाता है वो option number C है. तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, हाईली करेक्ट. ये क्या है, पार्शियली करेक्ट. सो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, एब्सोल्यूट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए. व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर वी गो. इन अ फ्रैक्चर ऑफ अपर वन थर्ड ऑफ फोर आर्म, इन अ फ्रैक्चर ऑफ अपर वन थर्ड ऑफ फोर आर्म, इट इज इमोबिलाइज्ड इन ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी एंड डी. व्हिच पोजीशन, व्हिच विल बी द पोजीशन इन व्हिच this will get immobilized. So my dear friends, immobilization of forearm in condition of fracture, here the fracture is of upper one third, so the correct answer for this condition will be option number B, supination. So upper one third forearm ka agar fracture hai, to us condition mein kaun si position par immobilization hoga forearm ka, wo hoga supination mein. Agar middle one third arm hai,
तो उस केस में होगा मिड प्रोन। सो मिड प्रोन कब करेक्ट होगा, जब यहां पर ऑप्शन, यहां पर क्वेश्चन में होगा अपर की जगह मिड। ओके सो मिडल वन थर्ड में होगा मिड प्रोन, ठीक है। और प्रोनेशन किस में होगा, लोअर वन थर्ड में। सो लोअर वन थर्ड में क्या होगा, प्रोनेशन। अगर लोअर वन थर्ड है तो उस केस में होगा प्रोनेशन, और अगर मिड वन थर्ड है तो उसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। और अगर सुपिनेशन है तो उसमें क्या है, अपर वन थर्ड ऑफ फोर आर्म इज फ्रैक्चर्ड। सो ये क्वेश्चन भी डन है। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, सो माय डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन इज, अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद फॉलोइंग सीरम पैरामीटर्स, एएलपी लेवल इज नॉर्मल, पीटीएस लेवल इज आल्सो नॉर्मल, बट कैल्शियम एंड फॉस्फेट आर इंक्रीज्ड, इट इज मोस्ट लाइकली कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, एग्जामिनर गिवन यू हियर फोर ऑप्शन एंड वन ऑफ देम इज करेक्ट, सो द करेक्ट चॉइस विल बी ऑप्शन नंबर ए, इट इज ड्यू टू विटामिन डी टॉक्सिसिटी। अब बात की जाए और ऑप्शन की, ऑप्शन नंबर डी को देखा जाए, ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑस्टियोमलेशिया। इन ऑस्टियोमलेशिया यू कैन सी फॉस्फेट इज इंक्रीज्ड, एएलपी इज इंक्रीज्ड, पीटीएच इज इंक्रीज्ड, तीनों कंडीशन इंक्रीज होगी, लेकिन यहां पर क्या है, एएलपी भी नॉर्मल है, पीटीएच भी नॉर्मल है, तो ऑप्शन नंबर डी तो हो ही नहीं सकता है। और ऑप्शन नंबर डी में कैल्शियम जो होती है ना, या तो वो नॉर्मल होगी या फिर डिक्रीज होगी, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए की बात की जाए तो उसमें कैल्शियम नॉर्मल होती है, फॉस्फेट भी नॉर्मल होती है, एएलपी भी नॉर्मल होती है, तीनों चीज ही नॉर्मल है, ठीक है। अगर कैल्शियम नॉर्मल है, फॉस्फेट नॉर्मल है, तो ये ऑप्शन अपने आप ही नहीं होगा, ठीक है। बात की जाए ऑप्शन नंबर बी की, अगर ऑप्शन नंबर बी देखा जाए तो उसमें कैल्शियम तो इंक्रीज होगी लेकिन फॉस्फेट जो होगी वो डिक्रीज होगी, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ठीक है। ओनली ऑप्शन नंबर ए है जिसमें कैल्शियम और फॉस्फेट का है, दोनों इंक्रीज्ड होंगे। ओके सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई दिस कंडीशन, व्हाट इज दिस कंडीशन माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट विल बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस कंडीशन, इट इज ऑस्टियोसारकोमा। ऑस्टियोसारकोमा जनरली इट इज अ कैंसर ऑफ यंग वंस, मोस्ट कॉमनली यू कैन सी इन सेकेंड डिकेड ऑफ इट्स लाइफ, इन बिटवीन 20 to 40, मीन्स इन द एज पीरियड ऑफ 20 to 40 ईयर यू कैन सी ऑस्टियोसारकोमा, इट इज अ कैंसर ऑफ यंग वंस एंड जनरली इट अकर इन द पोजिशन दैट इज मेटाफाइसिस, ठीक है। मेटाफाइसिस की जो पोजिशन होती है उस पोजिशन में आपको ये क्या है देखने को मिल सकता है, यंग वंस में होगा, मेटाफाइसिस में होगा। मोस्ट कॉमन साइट क्या है इसकी, वो है लोअर एंड ऑफ फीमर, एंड इन दिस यू कैन सी इट इज आल्सो सेड एज रेडिएशन इंड्यूस्ड सार्कोमा आफ्टर 10 to 15 ईयर ऑफ रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी की जब 10 से 15 साल हो जाएंगे तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इट इज अ रेडिएशन इंड्यूस्ड सार्कोमा। सो ये क्वेश्चन भी डन हो चुका है। यंग वंस का ट्यूमर है, सेकेंड डिकेड में दिखेगा 20 से 40 साल की एज में, और इसकी जो मोस्ट कॉमन साइट है वो क्या है, लोअर एंड ऑफ फीमर, एंड ये जो क्या बोलते हैं, इट अकर्स इन पोजिशन दैट इज मेटाफाइसिस। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर वी गो। सो द क्वेश्चन इज, फुटबॉल प्लेयर विद नी इंजरी डायग्नोज एज मीडियल कोलेटरल लिगामेंट इंजरी, you have to highlight this point, what structure is most commonly associated with this type of injury, so the structure associated with this type of injury will be option number B, medial meniscus injury. Medial meniscus injury is generally associated with two things, one is medial collateral ligament injury and another is anterior cruciate ligament, so do cheezon se ye associated hai, एक तो है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो कि इस क्वेश्चन में मेंशन्ड नहीं है, एक है मीडियल कोलेटरल लिगामेंट इंजरी जो कि इस क्वेश्चन में मेंशन्ड है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। और यहां पर तो ऑप्शन में भी दे रखा है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, ठीक है। अगर इसकी इंजरी होगी तो उससे एसोसिएशन किससे शो करेगा, वो मीडियल मेनिस्कस इंजरी से शो करेगा एसोसिएशन। सो दो मैंने नाम बोले हैं जो कि मीडियल मेनिस्कस से एसोसिएशन शो करेंगे, एक तो है मीडियल कोलेटरल लिगामेंट इंजरी, एक है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी, एंड यू कैन सी दिस कंडीशन जनरली इन फुटबॉल प्लेयर्स।
In this condition, you can see the foot is fixed to ground and the knee is in flexion condition. Okay, so this question is also done. Let's move to next question. Here we go. Avascular necrosis of femur head is due to which of the following artery? So you have to choose one correct answer for this condition. My dear friends, the correct answer for this condition will be option number A, medial circumflex artery. It is a branch of reticular artery. ये किसकी ब्रांच है? मीडियल सर्कमफ्रेक्स फीमोरल आर्टरी. ये ब्रांच किसकी है? इट इज अ ब्रांच ऑफ रेटिकुलर आर्टरी एंड इट सप्लाइज हेड ऑफ फीमर. अब इसने बोला क्या है? एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमर हेड. सो फीमर हेड को जो आर्टरी सप्लाई करती है उसका नाम क्या है? मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी है और ये ब्रांच है रेटिकुलर आर्टरी की. अब जब ये सप्लाई करती है किसको? हेड ऑफ फीमर को. तो अगर फीमर का नेक्रोसिस हो रहा है तो वो कौन सी आर्टरी की वजह से हो रहा है? वो इस आर्टरी की वजह से हो रहा है. सीधा सिंपल सा कनेक्शन यहाँ पर शो हो चुका है. सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस क्वेश्चन इज आल्सो डन बिकॉज द हेड सप्लाई इज डन बाय दिस आर्टरी एंड ये जो आर्टरी है इसकी ये ब्रांच किसकी है? रेटिकुलर आर्टरी की. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर वी गो. Which of the following is most radio sensitive tumor? So you have to tell name of most radio sensitive tumor. And my dear friends, that radio sensitive tumor will be option number B, Ewing sarcoma. Ewing sarcoma से related एक video बनाई हुई है मैंने. ठीक है, वो video मिलेगी कौन से playlist में? Short punch point में वो video मिल सकती है आपको, या फिर डायरेक्ट एविंग सार्कोमा नाम लिखा भी मिल सकता है. ठीक है, तो देन यू कैन विजिट दैट प्लेलिस्ट एंड यू कैन गेट देयर अ शॉर्ट निमोनिक रिगार्डिंग एविंग सार्कोमा एंड हियर इट इज अ एविंग सार्कोमा. इट इज अ मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर. इट जनरली रिस्पोंड वेरी वेल टू रेडियोथेरेपी एंड एविंग सार्कोमा हैज हाई अमाउंट ऑफ रेडियो सेंसिटिविटी And the treatment in Ewing sarcoma is chemotherapy, in which you can follow it by surgery and chemotherapy both. So the correct answer for this question will be Ewing sarcoma. So this question is also done. Ewing sarcoma, it is a most sensitive. अब ये most sensitive है तो बाकी तीन option का भी बता दो ना यार. Option number A, C, D. All these three are radio resistant. हिस्टोसाइटोमा, ऑस्टियोसार्कोमा, कोंड्रोसार्कोमा, तीनों के तीनों क्या है? रेडियो रेजिस्टेंट है, सेंसिटिव नहीं है. रेडियो सेंसिटिव यहां पर ऑप्शन नंबर बी है ओनली. सो दिस क्वेश्चन इज आल्सो डन. लेट्स मूव. सो द क्वेश्चन इज अ 30 ईयर ओल्ड हैज हिस्ट्री ऑफ ट्रोमा एंड पेन इन राइट हिप विद फ्लेक्शन, एबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन. व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? सो ये जो फ्लेक्शन, एबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन है, इसी के बेस पे डायग्नोसिस होना है. वो डायग्नोसिस क्या है? सो माय डियर फ्रेंड, दैट डायग्नोसिस विल बी ऑप्शन नंबर बी, हिप एंटीरियर डिसलोकेशन. इन केस ऑफ हिप एंटीरियर डिसलोकेशन यू विल सी थ्री क्लियर पॉइंट्स एंड दिस क्लियर पॉइंट्स आर फ्लेक्शन, एबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन विल बी अफेक्टेड. And if it is a case of hip posterior dislocation, अगर hip posterior dislocation की बात की जाए तो इस history में क्या होता अपने पास? इसमें होता flexion, adduction और internal rotation. So flexion तो होना ही था, लेकिन abduction की जगह होता adduction, external की जगह होता internal. तब इसका आंसर आता option number A. But यहाँ पर जो history है उसके according इसका आंसर होगा option number B. So my dear friends, this question is also done. Let's move to next. So my dear friends, the question is, a young girl had a thigh swelling which has a discharging sinus from a bony where from which a bony fragment came out. The parents were concerned, what was it? So what do you think, what is this bony fragment? So my dear friends, this is sequestrum. Sequestrum, what is this sequestrum? It is a sclerolized dead bone. Okay, and if the patient is having previous history of sequestrum, then you can say that it is a condition of chronic osteomyelitis. Okay, agar ye patient
पुरानी हिस्ट्री दिखाता है कि मुझे पहले भी ये बोनी फ्रैगमेंट क्या है बार आ चुका है, ये सेकेंड टाइम है, या फिर ये अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, ये क्रोनिक ऑस्टियोमाइलिटिस की कंडीशन हो चुकी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, सिंपली इसको सिक्वेस्ट्रम। अगर डिटेल्ड आंसर लेंगे तो इसका आंसर होगा इट इज अ सिक्वेस्ट्रम विद कंडीशन ऑफ क्रोनिक ऑस्टियोमाइलिटिस। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज एंड ऑफ अवर डिस्कशन। होप यू ऑल लाइक दिस डिस्कशन। इफ यू फील दैट दिस डिस्कशन इज वेरी हेल्पफुल, देन यू हैव टू डू थ्री थिंग्स: लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स। एंड इफ यू आर विजिटिंग माय चैनल एवरी डे, देन यू आर अवेयर ऑफ रैपिड फायर क्विज दैट विल बूस्ट योर एग्जाम रिविजन, दैट विल गिव अ बूस्ट टू योर एग्जाम प्रिपरेशन। सो थैंक्स टू एवरी वन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। Best of luck for your upcoming exam.